नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है सैमसंग गैलेक्सी F13 जो हाल ही में लॉन्च हुआ है फ्लिपकार्ट पे और आपको मिलता है 11999 4+64 और 12999 4+128GB। तो इसमें कोई भी 6GB या 8GB का रैम वेरिएंट नहीं है। जो भी वेरिएंट है दोनों में 4GB रैम है, 64GB और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो ये एक बजट ओरिएंटेड फोन है। जैसे लास्ट ईयर लॉन्च हुए थे सैमसंग गैलेक्सी M12 और F12, सेम उसी टाइप के स्पेक्स के साथ ये भी लॉन्च हुआ है। इसमें प्रोसेसर सेम है जो M12 और F12 में आपको देखने मिलता है, एक्सिनोस का 850। तो डेफिनेटली ये गेमिंग फोन नहीं है, नॉर्मल यूज के लिए ये एक बजट फोन है। बात करते हैं इसके मेन स्पेक्स की, तो इसमें है 6.6 इंच का फुल HD+ PLS LCD डिस्प्ले। अब PLS सेम है IPS की तरह ही, लेकिन PLS सैमसंग ने खुद ने डेवलप की है। तो कहा जाता है कि PLS IPS से 10-15% ज्यादा ब्राइट होता है डिस्प्ले, और आपको मिलेगा गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो फोन है सैमसंग का ऐसा दूसरा फोन है जिसमें One UI कोर है, लेकिन इसमें गुडलॉक सपोर्ट करता है। आप देख पा रहे हो मैं इस फोन में होम अप, इसके अलावा साउंड असिस्टेंट, वॉइस चेंजर इनका यूज कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने गुडलॉक को इसमें इंस्टॉल किया है। तो सैमसंग गैलेक्सी F22 एक ऐसा पहला फोन था जिसमें One UI कोर होने के बावजूद गुडलॉक सपोर्ट करता था, लेकिन अब ये दूसरा फोन है जिसमें कोर तो है लेकिन फिर भी गुडलॉक सपोर्ट कर रहा है। अगर आप जाओगे अबाउट फोन में सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में, आप देख पा रहे हो One UI कोर 4.1 एंड्रॉइड वर्जन 12 और इसमें है नॉक्स। हालांकि सिक्योर फोल्डर अभी इसमें आपको देखने नहीं मिलेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए सिक्योर फोल्डर को इनेबल किया जाएगा फ्यूचर में। और एक अच्छी बात यह है इस फोन के बारे में कि अब आपको मिलता है इनबॉक्स चार्जर, कि आपको अब चार्जर सेपरेटली परचेस नहीं करना पड़ता जैसे सैमसंग ने पिछले कुछ फोन्स के लिए किया था। चार्जर बॉक्स में से एक्सक्लूड कर दिया गया था, लेकिन अब आपको चार्जर मिलेगा बॉक्स में ही। तो 15 वॉट का ये चार्जर है और जो फोन है 15 वॉट तक ही फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। इसमें आपको मिलती है 6000 mAh की बैटरी, इसीलिए फोन थोड़ा हेवी फील होगा। 207 ग्राम वेट है इस फोन का और ये जो थिकनेस है इसकी ये है 9.3 mm। तो ये फोन उनके लिए है जो नॉर्मल यूज करते हैं, जिन्हें बैटरी बैकअप ज्यादा चाहिए होता है, जो कैजुअली फोटोग्राफ क्लिक करते हैं। बात करते हैं कैमरा की, तो आपको बैक में मिलते हैं ट्रिपल कैमरा सेटअप। जो पहला है वो है 5 MP का अल्ट्रा वाइड, फिर 50 MP का मेन सेंसर और 2 MP का डेप्थ सेंसर, 8 MP का सेल्फी शूटर। कैमरा फीचर्स की बात करेंगे तो आपको ज्यादा फीचर्स देखने नहीं मिलते, जैसे कि पोर्ट्रेट है, ठीक है, बैकग्राउंड ब्लर करके आप फोटो को कैप्चर कर सकते हो, फोटो मोड है, इसमें आप अल्ट्रा वाइड भी कैप्चर कर सकते हो और 10x तक जूम कर सकते हो। इसके बाद है वीडियो मोड जिसमें आप फुल HD और HD 30 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और मोर में आपको मिलेंगे केवल 3 ही मोड जिसमें है प्रो मोड, पैनोरमा और फूड। प्रो मोड में ISO, एक्सपोजर और वाइड बैलेंस एडजस्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। इसमें हालांकि नाइट मोड होना चाहिए था और स्लो मोशन, सुपर स्लो मोशन भी इसमें आपको नहीं देखने मिलता। ये जो वेरिएंट है ये है 4GB प्लस 128GB का वेरिएंट। तो देखते हैं इसमें कितनी स्टोरेज अवेलेबल है। तो मैंने कुछ एप्स को इंस्टॉल किया है, फिर भी आप देख सकते हो यहाँ पे अवेलेबल है, शो कर रहा है अभी 101.7GB, लेकिन जब मैंने इसे पहली बार सेटअप किया था तब 103GB 103GB अवेलेबल शो कर रहा था। इसमें आपको रैम प्लस का फीचर भी मिलता है, तो आप जो वर्चुअल रैम है उसे इनेबल कर सकते हो। आपको 2GB और 4GB दो ऑप्शंस मिलेंगे वर्चुअल रैम के लिए। डिस्प्ले जो है इसका LCD है और LCD के हिसाब से काफी बढ़िया रिजल्ट आपको मिलता है। तो डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छा यूज किया गया है, और आपको मिलेंगे कई सारे ब्लोटवेयर्स जैसे आप सेटअप करोगे पहली बार अपने फोन में। जैसे आप देख पा रहे हो डेली हंट, जोश, MX टकाटक, मोज, स्नैपचैट, कैंडी क्रश, तो ये जो है ब्लोटवेयर्स इंस्टॉल किए गए, लेकिन आप इन्हें चाहो तो अनइंस्टॉल कर सकते हो। इस तरीके से अनइंस्टॉल पे टैप कीजिए, अनइंस्टॉल हो जाएगा। बात करते हैं कार्ड स्लॉट की, तो इसमें है ट्रिपल कार्ड स्लॉट, मतलब कि आप 2 SIM और 1 SD कार्ड को साथ में यूज कर सकते हो। SD कार्ड आप मैक्सिमम 1 TB तक यूज कर सकते हो।
इस फोन में मोशन स्मूथनेस का ऑप्शन नहीं दिया गया है, मतलब कि आप 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज पे फोन को यूज नहीं कर सकते। 60 हर्ट्ज पे फोन यूज करना मतलब अभी काफी स्लो फील होता है, क्योंकि मैंने अभी सारे फोन 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज के यूज किए हैं, तो ऐसे में अब 60 हर्ट्ज पे यूज करना मतलब काफी स्लो फील होता है। इस फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर तो आपको देखने नहीं मिलता, लेकिन आप देख पा रहे हो यहाँ पे डार्क मोड है, आई कंफर्ट शील्ड है, इसके अलावा माइक्रोफोन एक्सेस का टॉगल दिया गया है, किड्स मोड है, कॉल एंड टेक्स्ट ऑन अदर डिवाइसेस है, और डॉल्बी एटमॉस का भी फीचर दिया गया है। जब आप ईयरफोन यूज करोगे तब आप उसे इनेबल कर सकते हो। इसका जो बैक है प्लास्टिक का है, लेकिन ये प्लेन प्लास्टिक नहीं है, इसमें कुछ पैटर्न दिए गए हैं, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट में लाइंस होती है सेम वैसे ही लाइंस आपको यहाँ पे देखने मिलती है, और जब आप रब करते हो तो आपको ऐसा साउंड आता है। इसमें ऑटो डेटा स्विचिंग का भी फीचर दिया गया है, मतलब कि अगर आपके एक सिम में ठीक से नेटवर्क नहीं आ रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका फोन जो डेटा है या सिम है उससे स्विच करेगा दूसरे सिम में, ताकि कॉन्स्टेंटली आपको अच्छा नेटवर्क मिले। तो इसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है सिम कार्ड मैनेजर में, और ये रहा ऑटो डेटा स्विचिंग। जब आप दो सिम यूज करोगे तब आपको यहाँ पे इसका ऑप्शन मिलेगा, और आप यहाँ से इसे इनेबल कर सकते हो। होम पेज के लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा गूगल डिस्कवर का पेज, हालांकि सैमसंग के अभी मोस्ट ऑफ फोन में गूगल डिस्कवर और सैमसंग फ्री दोनों होते हैं, लेकिन इसमें आपको अब मिलेगा केवल गूगल डिस्कवर। फोन में मैंने अभी तक कोई भी एबनॉर्मल हीटिंग या जो बैटरी ड्रेनिंग है इसका इश्यू फेस नहीं किया है, लेकिन फोन जो है थोड़ा स्लो फील होता है। गैलरी में भी आपको ज्यादा फीचर्स देखने नहीं मिलते, जैसे कि अगर आप किसी फोटो को एडिट करते हो तो आपको एडिट में मिलता है केवल एक ही ऑप्शन स्पॉट कलर का, मतलब कि इसमें स्टाइल्स या आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट इरेजर ऐसा कोई भी फीचर देखने नहीं मिलता। ये फोन जो है एक 4G फोन है, इसमें कैरियर एग्रीगेशन मतलब CA सपोर्ट नहीं करता, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये 1UI कोर है, लेकिन फिर भी इसमें गुडलॉक सपोर्ट करता है, तो ये मुझे काफी अच्छा लगा कि आप इस फोन में गुडलॉक का यूज कर सकते हो। इस फोन में आपको मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, तो ये ठीक ठाक वर्क करता है, कोई भी इश्यू नहीं है, आप केवल टैप कीजिए फोन अनलॉक हो जाता है काफी आसानी से, आप देख सकते हो। इसमें फेस अनलॉक का भी फीचर दिया गया है, तो आप फेस अनलॉक का यूज कर सकते हो फोन को अनलॉक करने के लिए, और अगर आप अल्टरनेटिव लुक ऐड करोगे तो फेस अनलॉक और ज्यादा फास्टर हो जाएगा। इस फोन में जब भी आप फिंगरप्रिंट और फेस को रजिस्टर करते हो तब यहां पे आपको शो करता है कि सिक्योर्ड बाय नॉक्स, मतलब कि आपके जो फिंगरप्रिंट है और फेस डेटा है वो नॉक्स से सिक्योर्ड रहता है, जैसे आपको फुल 1UI में देखने मिलता है सेम उसी टाइप की सिक्योरिटी आपको देखने मिलती है इस फोन में। तो इस फोन में आपको मिलता है सिंगल स्पीकर, तो सिंगल स्पीकर के हिसाब से जो साउंड क्वालिटी है ठीक ठाक है, उतने भी ज्यादा लाउड नहीं है। YouTube पे आप किसी भी वीडियो पे इस फोन में मैक्सिमम 1080p 60fps पे वॉच कर सकते हो, हालांकि इसमें HDR सपोर्ट नहीं करता। जैसे कि मैंने कहा कि डिस्प्ले इसमें LCD है, लेकिन क्वालिटी डिस्प्ले की काफी अच्छी है। इसमें आपको सैमसंग पे मिनी का भी फीचर मिलता है जिसे आप ऑन कर सकते हो। इसमें आपको यहाँ पे दिया गया है गूगल का मैसेज ऐप, लेकिन सैमसंग का भी मैसेज ऐप आपको यहाँ पे मिलता है, तो आप दोनों में से किसी को भी
यूज कर सकते हो। अगर आपको इसे यूज नहीं करना हुआ तो आप इसे डिसेबल कर सकते हो यहां से। इसके अलावा फोन डायलर जो है सैमसंग का ही है, मतलब कि आप बिना किसी अनाउंसमेंट के सामने वाले के कॉल्स को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो दोस्तों ये था सैमसंग गैलेक्सी F13 का अनबॉक्सिंग एंड ओवरव्यू। मेरे हिसाब से ये फोन उनके लिए है जो नॉर्मली अपने फोन को यूज करते, गेमिंग नहीं करते, कैजुअली फोटोज को क्लिक करते हैं, बैटरी बैकअप जिन्हें अच्छा चाहिए और जो अपने फोन को कस्टमाइज करना पसंद करते हैं तो उनके लिए ये फोन है। और अगर उनका बजट 12,000-11,000 है तो डेफिनेटली इस फोन को प्रीफर कर सकते हैं। और अगर आपको एक ब्रांडेड फोन यूज करना है जैसे सैमसंग, अगर आपको चाइनीज फोन यूज नहीं करना है तो आप इसे प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा अगर आप चाइनीज फोन प्रीफर करते हो तो इससे भी अच्छे स्पेक्स के साथ आपको फोन मिल जाएगा सेम प्राइस में। लेकिन सैमसंग ब्रांड है तो आपको ब्रांडिंग के लिए ज्यादा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। दोस्तों ये था इस वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।